हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की और एक वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं भारतीय वायुसेना में कुछ भर्तियां आई हुई है, तो इस वीडियो हम लोग उसी बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखने वाले हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या है, साथ ही देखेंगे कि वैकेंसी कितना है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो इंडियन नेवी में आई हुई रिक्रूटमेंट है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीन प्रकार की पोस्ट आई हुई है। पहला है ना स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स मतलब जो इंडियन नेवी में जो हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हैं, उसमें आप लोगों को नर्स के रूप में काम करने होंगे, नर्स के रूप में ड्यूटी करने होंगे। तो दूसरा है दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट। इसमें आप लोगों को लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो इंडियन नेवी के वहाँ पे लाइब्रेरी होंगे, वहाँ पे आपको एज ए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के रूप में काम करने होंगे। मान लीजिए कोई भी आते हैं और उन लोगों को बुक दिखाना होगा, बुक बुक के बारे में जानना होगा, तो वही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बोलते हैं दोस्तों जॉब को। तीसरा है सिविल मोटर ड्राइवर। सिविल मोटर ड्राइवर में आप लोगों को जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उन लोगों को मतलब कहीं ले जाना होगा, कहीं से ले आना होगा, तो वही काम होता है इंडियन नेवी में ड्राइवर लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉब प्रोफाइल तो हो गया दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो स्टाफ नर्स है उसके लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन कितना मांगा है। तो देखिए, स्टाफ नर्स के लिए आप लोगों को 10th पास मांगा है, उसके साथ सर्टिफिकेट भी मांगा है। वो क्या है ना, हॉस्पिटल में जहाँ आप लोग नर्स के रूप में सर्टिफिकेट काम किए होंगे, वो वाला जो सर्टिफिकेट है उसको मांगा है दोस्तों। और वो जो नर्स का जो सर्टिफिकेट होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फुल्ली फुल्ली ट्रेंड नर्स होना चाहिए, एकदम मेडिकल एंड सर्जिकल नर्स एंड मेडिवाइफ फ्री। मतलब वो जो होता है, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए और एकदम रजिस्टर होना चाहिए, मतलब फेक नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरा आता है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। दूसरा जो है, जो लाइब्रेरी है जिसमें हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि लाइब्रेरी में आपको काम करने होंगे, तो इसके लिए आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आप लोगों को डिग्री जो होता है सर्टिफिकेट वो मांगा है दोस्तों। मतलब 2 ईयर जो एक्सपीरियंस मांगा है, जो मतलब लाइब्रेरी में आप रहे होंगे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए वो वाला, मैंने आपका जो ये जिसमें आप लाइब्रेरी का काम कर रहे होंगे उसमें। तो बस लाइब्रेरी असिस्टेंट में क्या मांगा है ना, बैचलर डिग्री चाहिए और लाइब्रेरी साइंस के मैंने सब्जेक्ट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा आते हैं सिविल मोटर ड्राइवर। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी जो ड्राइवर होते हैं जिसमें हैवी जो ये होता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मांगा है, उसके साथ साथ आप 10th पास होने चाहिए दोस्तों, बस इतना ही इसमें क्वालिफिकेशन मांगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एज क्या है और सैलरी क्या है। तो पोस्ट नेम दोस्तों, जो पोस्ट नेम है स्टाफ नर्स, इसके लिए आपको मांगा गया है 18 से 45 साल के अंदर होने चाहिए। उसके बाद आपका सैलरी जो होगा वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक। और इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, 30 साल से कम होना चाहिए। और इसमें 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया इसमें आपका वेतन रहने वाला दोस्तों। सिविल में आपका 18 से 25 साल होना चाहिए सिविल मोटर ड्राइवर में, और इसमें आपका वेतन 19,000 से लेकर 63,000 होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट कितने कितने हैं। तो
तो स्टाफ नर्स में 3 पोस्ट आई हुई है, लाइब्रेरी में आपका 6 पोस्ट आई हुई है और सिविल मोटर में आपका 40 पोस्ट आई है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो डेट है 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत बड़ी है कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। मान लीजिए 10 सितंबर को ये फॉर्म आ रहे हैं तो इसको आपको 21 दिन के अंदर, इसमें मतलब 10 दिन 21 तारीख या फिर 31 तारीख या फिर 1 तारीख के अंदर आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि फॉर्म कौन सा है और वो फॉर्म को आपको फिल करके दिए हुए पते पे आपको सेंड करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे दोस्तों। तो ये जो फॉर्म होता है जिसमें एक तो प्रिंट आउट है दोस्तों, जी दोस्तों, द एप्लीकेशन शुड बी ए प्लेन पेपर, जो A4 साइज का पेपर होते हैं उसमें आपको फॉर्म निकाल लेना है दोस्तों। और उसमें फ़ोटो वगैरह जितना भी आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा वो सब लगा के आपको बाय पोस्ट करना होगा। बाय पोस्ट का एड्रेस क्या है, टू द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर CCPO हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड बलर्ड स्टेट नियर टाइगर गेट मुंबई। ये तो आपका पिन नंबर दिया हुआ दोस्तों, एलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सब आपका दिया हुआ है। आप अगर मान इसका जो नोटिफिकेशन होता है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। और इसको आप ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप ठीक से एक एक चीज़ देख लीजिए। फॉर्म नोटिफिकेशन में ही होगा दोस्तों, उसको आप ठीक से फॉर्म भर के उसमें फ़ोटो चिपका के उसमें सारा कुछ करके ये जो एड्रेस हम बोले हैं वो एड्रेस में आप बाय पोस्ट कर दीजिए दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड भी फिर आ जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो ये फॉर्म ऑफलाइन है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को हरोभरो होना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये जॉब के बारे में जानकारी देना ज़रूरी था इसीलिए दिए। आपसे हम वादा किए हैं कि जॉब के बारे में जानकारी देंगे और जो भी नए रिक्रूटमेंट आएंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे वो ऑफलाइन आए चाहे वो ऑनलाइन आए। अभी भरेंगे कि नहीं भरेंगे तो आपका आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।